नमस्कार दोस्तों, मेरी इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। ये ऐप आपको कैसे डाउनलोड करनी है और इस पर आपको कैसे रजिस्टर करना है। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ये ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं, फिर भी आपको कोरोना से कोई तकलीफ है या नहीं, और फिर कोरोना के बारे में जो भी जानकारी है इसके बारे में सच्ची जानकारी आपको ये प्रोवाइड करेगा और उसके बचाव के लिए भी ये आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन। तो इसको कैसे यूज करना है, ठीक है ना, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखेगा। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और फिर आरोग्य सेतु लिखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो फिर मेरे को ये सीधा ही ओपन करने का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो इसका फ्रंट पेज है, यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज करना है। दोस्तों, ये हमारे भारत के 11 लैंग्वेज में एप्लीकेशन पाई गई, इसमें इंग्लिश भी है, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, सब लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और ये ऐप कैसे वर्क करता है फिर अभी ये बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, ये ऐप ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सॉफ्ट ग्राफिक की मदद से काम करेगा। दोस्तों, ये ब्लूटूथ और लोकेशन के जरिए काम करते हैं, ठीक है ना। आप अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और फिर आप घर पे आ गए और आपको पता नहीं आपका कोरोना है या नहीं, लेकिन इस ऐप के जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको और गवर्नमेंट को भी, कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है और ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करना है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ अपने आप भी हो जाएगी, ठीक है ना। ब्लूटूथ और लोकेशन ओपन हो जाएगा, फिर आपको ऑलवेज पे सेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपको इधर दिख रहा होगा रजिस्टर का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है ना। तो मैं रजिस्टर पे ओके करता हूँ, तो फिर ये मेरे को ब्लूटूथ ऑन करने का बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो कि ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करो। तो फिर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, ठीक है ना। येलो करने के बाद मैं सहमत हूँ, क्या आप सहमत है, आपको यहाँ पर मैं सहमत हूँ यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है ना। तो मैंने ये कर दिया। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो दर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, फिर वो ओटीपी डालना है आपको, ठीक है ना। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है, तो आप इसके ऐप को सबमिट कर सकते हो, ऐसे आप लॉगिन कर सकते हो। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।